subscribe to my channel and press bell icon to get all new updates from Macram Creation. Hello friends, welcome to my channel. आज मैं आपको मैक्रम की लैंप स्टैंड बनाना बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल न्यू अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो लैंप स्टैंड बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 3 रिंग, ये है फ्रेंड्स 3.5 मीटर में और इंच में, और यहाँ पे ये जो है ये 7.5 इंच, और यहाँ पे मैंने लिया है 20 कॉर्ड। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट आपको 1 रिंग में छोटा सा कॉर्ड्स को इस तरीके से मिडिल में लेना है और यहाँ पे हम अटैच करेंगे। इस तरीके से हम कॉर्ड्स को पहले अटैच कर लेते हैं 1 by 1। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 22 कॉर्ड्स का अटैच किया है। अब देखिए यहाँ पे बीच में बहुत सारा गैप है, तो मैं यहाँ पे जो कॉर्ड है इसको मैं इस तरीके से डबल कर दूंगी, इस तरीके से। यहाँ पे हम डबल करके कॉर्ड को नॉट लगाएंगे ताकि जो रिंग है पूरा कवर हो जाए। तो इस 22 कॉर्ड्स जो है इसको इस तरीके से आपको डबल कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने डबल टाइम अटैच कर दिया है। अब आपको 4 कॉर्ड यहाँ पे लेना है, और जो मैंने मटका बीड्स यहाँ पे लिया था वो मैं अब यूज करूंगी। तो 2 कॉर्ड के बीच में यहाँ पे रख के हमको नॉट बनाना है, और ये जो नॉट है हमें बहुत टाइटली लगाना है। फिर से हम यहाँ पे फोड़ लेंगे और बीच में बीड्स लगा के नॉट बनाएंगे। तो ऐसे ही हम पूरे में कंप्लीट करेंगे। तो टोटल 11 यहाँ पे बीड्स का मैंने यूज किया है। अब फिर से देखिए, यहाँ पे मैं जो 2 यहाँ पे कॉर्ड आया है इसके बीच में मैं बीड्स लगा के फिर से 4 कॉर्ड से मैं नॉट लगाऊंगी। तो यहाँ पे अब इस तरह से आपको इस तरह से कर लेना है, और हमें 2 के नीचे 1 करके फिर से टाइटली नॉट बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डिज़ाइन बनाया है, और यहाँ पे मैंने सेकंड लाइन भी यहाँ पे कंप्लीट किया है। अब देखिए ये जो नॉट आया है इसके नीचे हमें फिर से 1 नॉट पहले लगा लेना है, और टोटल यहाँ पे नॉट 2 लगने के बाद हमें बीच का जो 2 कॉर्ड है इस पे यहाँ पे क्रिस्टल डालूंगी रेड कलर की, और फिर से मैं नॉट बनाऊंगी। तो यहाँ पे लंबा सा मैं लगाऊंगी क्रिस्टल इस तरीके से, और फिर मैं फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पे लगाया है 8 नॉट। तो इस तरीके से मैं 8 नॉट लगा दूंगी। One, two हुआ है,
देखिए फ्रेंड्स, हमारा 8 नोट यहाँ पे कंप्लीट है। अब जो बीच का 2 कॉर्ड है उसमें मैं मटका बीट्स 5 यहाँ पे पहले डाल दूंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने 5 बीट्स डाल दिया है। अब 1-1 करके लेना है और नोट्स लगाना है। देखिए 1 हो गया है। अब हर एक लाइन को मैं 11 ऐसा लाइन आएगा तो हर एक को मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरे 11 हमारा यहाँ पे कंप्लीट है। और ये जो करने के बाद इसको इस तरीके से आपको टाइटली यहाँ पे खींच लेना है ताकि ये टाइट हो जाए और लूज ना रहे। तो फ्रेंड्स, अब जो मैंने बड़ा रिंग लिया था वो मैं इसमें अटैच करूँगी। तो इसके अंदर से इसको लेना है रिंग को और 1 by 1 सारे कॉर्ड्स को इस तरीके से हम अटैच करेंगे और इसको टाइटली हम अटैच कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो मेरी जो बेसिक नॉट का जो वीडियो है वो आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल में जाके। तो इस तरीके से हम रिंग में देखिए एक एक करके कॉर्ड्स को यहाँ पे अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अटैच किया है और हर एक के बीच में सेम डिस्टेंस आपको रखना है और नीचे जो यहाँ पे कॉर्ड्स आया है वो हम एक साथ इस तरीके से पकड़ के मिडिल में लेना है। पहले आपको कॉर्ड्स को इस तरीके से और कोई भी एक आपको लेना है कॉर्ड और इसको इस तरीके से रैप कर देना है। यहाँ पे टाइटली इसको रैप करना है इस तरीके से हम और 1-1 करके आपको इस तरीके से खींच लेना है ताकि ये टाइट हो जाए। तो यहाँ पे रैप करने के बाद आपको 4 कॉर्ड लेना है लंबा सा देख के और यहाँ पे हम नॉट बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने नॉट बनाया है। तो और भी इसको कवर कर लेना है। तो यहाँ पे हमें लंबा सा देख के कॉर्ड को लेना है और हम नॉट बना लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने नॉट बनाया है और यहाँ पे टोटल 5 नॉट आया है। तो यहाँ पे हम 2 नॉट के बीच में फिर से 1 करके हम नॉट बनाएंगे और इसको हम कंटिन्यू करेंगे।
डॉट बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 टाइम मैंने यहाँ पे बनाया है। अब मैं सेम ही प्रोसेस से मैंने इसको बनाया है, अब फिर से मैं इसको कंटिन्यू करूँगी, लेकिन ये जो 2 कॉर्ड है उसके बीच में 1 मैं यहाँ पे बीट्स डालूँगी, मटका बीट्स, और फिर से मैं यहाँ पे नॉट लगाऊँगी। तो आपको बीट्स को पहले अटैच कर लेना है। टोटल 5 बीट्स आपको अटैच करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैंने 5 बीट्स का यहाँ पे डाल दिया है, और फिर से मैं यही सेम प्रोसेस से इसको कंटिन्यू करूँगी। फिर से यहाँ पे बीट्स डालना है 2 नॉट के बीच में, और यहाँ पे स्क्वायर नॉट लगा देना है। तो ऐसे ही मैं थोड़ी दूर यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी। 3 लाइन यहाँ पे बनाने के बाद हमें ये जो नॉट है बीट्स के नीचे का, उसमें ही हमें यहाँ पे 1 नॉट है, इसके नीचे हमें और 3 बनाना है, तो टोटल 4 नॉट हमें यहाँ पे बनाना है। फ्रेंड्स, 4 नॉट्स यहाँ पे कंप्लीट है। हमें लैम्प बनाने के लिए हमेशा इसको इस तरीके से खींच लेना है, टाइट कर लेना है, नहीं तो लैम्प जो है वो लूज हो जाता है, तो इस तरीके से आपको टाइट कर लेना है। अब मुझे 1 रिंग चाहिए, और ये जो कॉर्ड है जिसको मैंने इतने दूर करके बनाया है, 5 बनाया है, इसको मैं इस रिंग में टाइटली अटैच कर दूंगी। अब सारे कॉर्ड्स को तो ऐसे ही हम अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको इस तरीके से किया है। अब जो यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉर्ड है वो हम कट करेंगे यहाँ पे सारे कॉर्ड्स को, और अटैच करेंगे यहाँ पे लाइटर की मदद से। और यहाँ पे जो गैप्स आया है उसमें मैं ब्लू कलर की जो कॉर्ड है इससे मैं रैप करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो गैप्स आया था 11 गैप्स, उसमें मैं अब डिज़ाइन बनाऊंगी। तो इसके लिए आपको 4 करके हर एक गैप के लिए 4 कॉर्ड्स चाहिए, और जो कि मैंने 1 मीटर में कट किया है इसको मिडिल में लेना है, और आपको इस तरीके से पहले अटैच करना है कॉर्ड्स को, 4 कॉर्ड्स को। अब इसमें हमें नॉट बनाना है 3 करके। तो 2 देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है। अब मिडिल का जो कॉर्ड्स है उनको लेके देखिए, यहाँ पे 1 गैप्स है, तो इसके अंदर से इसको 2 कॉर्ड्स को मिडिल का निकाल लेना है इस तरीके से। और इस तरीके से ये फोल्ड हो जाता है, और हमें साइड का जो 2 कॉर्ड है उसको लेके टाइटली हमें
नॉट लगाना है। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। तो अब हमें साइड से टू करके कॉट को छोड़ना है और मिडिल का फोर लेके फिर से थ्री टाइम नॉट बनाना है। और फिर से मिडिल का टू कॉट जो है वो लेना है और गैप में से निकाल के बनाना है। और जो ये सिक्स कॉर्ड है उसको हम सेम डिस्टेंस पे कट करेंगे। अब इस तरीके से तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको सारे गैप्स को बनाना है। तो यहाँ पे और वन गैप रह गया है, तो इसको भी मैं कंप्लीट करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, अब हर एक में बीट्स लगाना है। तो यहाँ का जो साइड का कॉर्ड था और इस डिज़ाइन का साइड का कॉर्ड से मैंने यहाँ पे बीट्स लगा दिया है बेल्स, और यहाँ पे मिडिल का टू लेके मैं अब बेल्स लगाऊंगी। तो ऐसे ही टू टू करके लेके आपको बेल्स लगाना है। आया था एक्स्ट्रा कॉर्ड को लेके मैं इसको रैप करूंगी, तो बहुत सारा एक्स्ट्रा कॉर्ड बच गया है, तो इसको लेके मैं अब इसको रैप करूंगी इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, जो लैम्प स्टैंड है वो तैयार है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल न्यू अपडेट्स पाने के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।